सो हे गाइस, आज की वीडियो हम बात करेंगे CDS 2023 के लिए GS जो है वो आपको कैसे कवर करनी चाहिए। GS के बारे में हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, मॉक टेस्ट कहाँ से प्रैक्टिस करें सब कुछ। ओके, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में बाद में आती है तो वो मैं बाद में बोलता हूँ, और क्योंकि लिखा हुआ थोड़ी होता है कुछ, है ना, तो वो आपको पूरी देखनी है वीडियो, और लास्ट में मस्त चीज़ बताऊँगा तो वहाँ तक पहुँच जाइए आप जब। तो सबसे पहले GS का पेपर आपका सेकेंड पेपर होता है, सबसे पहले इंग्लिश का, उसके बाद में GS का। 2 घंटे का पेपर है, 120 क्वेश्चन है, सही करा तो 0.83 मार्क्स मिल जाता है एक क्वेश्चन का, और गलत करा तो आपका कट जाता है 0.27 मार्क्स। ओके, अब देखो GS में वैसे तो पता नहीं है किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, पर फिर भी मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, करेंट अफेयर्स, इन सबसे 20-20 क्वेश्चन हो सकता है, किसी में 22 हो जाए, किसी में 18 हो जाए, किसी में 24 हो जाए, किसी में 16 हो जाए, बट मोटा मोटा यही है। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, करेंट अफेयर्स से 20 क्वेश्चन, साइंस से 30 क्वेश्चन, और इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन। ओके, इस तरह से ये आपके 120 क्वेश्चंस हो जाते हैं, 2 घंटे में करने हैं 100 मार्क्स के। अब बात करते हैं इन्हें कवर कैसे करना है। तो जियोग्राफी की बात करें तो फिर आप जो है 11th-12th की NCERT बुक से जियोग्राफी अपनी ख़त्म कर लेंगे। 11th-12th की जियोग्राफी का मतलब हो गया इतनी मोटी मोटी 2 बुक्स हैं आपको, वो करनी पड़ेंगी, ठीक है। लेकिन उनसे बाहर क्वेश्चन जाना नामुमकिन सा ही है, आपके उनमें से 12 से 14 क्वेश्चन आराम से फंस जाएंगे अगर आपने ठीक से पढ़ाई करी है तो। ओके, दूसरी बात करते हैं कि हाँ, NCERT, अब मैं बोल दिया है कि NCERT डाउनलोड कर लेना, तो डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, बार बार लिंक नहीं मांगते, है ना, आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं कहीं से भी। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में देखो आपको क्या करना है, 11th-12th कर सकते हैं आप। ओके, और मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो वाला पार्ट, वैसे ज़्यादातर जो है मॉडर्न हिस्ट्री से 12 से 15 क्वेश्चन आते थे, और बचे हुए क्वेश्चन मिडिवल और एंशियंट हिस्ट्री से आते थे। वर्ल्ड हिस्ट्री का जो है 1-2 क्वेश्चन कभी कभी आ जाए तो आ जाए, वरना नहीं आता है। ओके, तो आप 11th-12th हिस्ट्री कर सकते हैं, बाकी मैं जो है वो मैंने केवल मॉडर्न हिस्ट्री करी है, और वो भी बिपिन चंद्रा बुक से। आप चाहे तो स्पेक्ट्रम से करिए या किसी से भी करिए, बिपिन चंद्रा इसलिए ली थी क्योंकि पतली सी किताब है और मेरे को ख़त्म करके खुशी मिली थी, ठीक है। तो आप 11th-12th कर सकते हैं, या फिर केवल मॉडर्न हिस्ट्री कर सकते हैं स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्रा बुक से। ओके, और 11th-12th ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सही चीज़ है। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी जो है वो आप बुक से नहीं करेंगे, लक्ष्मीकांत वगैरह नहीं पढ़ें कोई बात नहीं, लेकिन आप एक टीचर से अपनी समझ विकसित कर लीजिए कि पॉलिटी में क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि समझने पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं उसमें, ना कि लिखा हुआ, ठीक है। लिखे हुए में थोड़ी सी दिक्कत, आप पढ़ें, पढ़ने का मन है, आप ज़रूर पढ़िए, बट टीचर से समझ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो पॉलिटी आपको समझ लेनी है, खान सर से पढ़ लें बहुत सही रहेगा, और बाकी भी जो आपके फेवरेट टीचर हैं उनसे भी पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, मैंने खान सर से पढ़ी थी। अब बात करते हैं साइंस की। देखो साइंस का बात ऐसा है कि वैसे 10-10 क्वेश्चन आप मान लीजिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, वो सॉरी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 10-10 क्वेश्चन, बट कभी इस बार क्या है बायोलॉजी में ज़्यादा हुए, कभी कभी बायोलॉजी, कभी कभी नहीं, बायोलॉजी में ही ज़्यादा हो जाते हैं। 12 क्वेश्चन बायोलॉजी में हो जाएंगे तो वो 2 कम या फिजिक्स से कम कर देगा या केमिस्ट्री से कम कर देगा, या 9-9 केमिस्ट्री, ठीक है, ऐसा रहता है लगभग। कभी 31 क्वेश्चन आ जाते हैं, 32 आ जाते हैं, तो इस बार जैसे बायोलॉजी का वेटेज ज़्यादा रहा था, तो आपको बायोलॉजी करने के लिए, मतलब साइंस करने के लिए आपको क्या है, 2 तरीके बता रहा हूँ। एक तो NCERT में आपकी बहुत अच्छी समझ विकसित होनी चाहिए, तब आप 25+ क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत अच्छी समझ का मतलब है आपको जो चीज़ें लिखी हैं ना उन सबका मतलब और सेंस खुद से पता होना चाहिए, ठीक है, तब आप कर पाएंगे। 9th-10th NCERT करनी है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, मतलब 11th-12th पे नहीं जाने की ज़रूरत है। एक आध क्वेश्चन आएगा तो हम इग्नोर कर देंगे, उसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और साइंस में एक लखमीर सिंह, CBSE बोर्ड वालों की बुक आती है लखमीर सिंह, आप वहाँ वो वाली बुक कर लेंगे तो आपके 30 में से लगभग 28-29 क्वेश्चंस आ जाएंगे, बट उनमें दिक्कत ये है कि वो एक बुक 400 रुपये की है, और फिजिक्स की अलग है, केमिस्ट्री की अलग है, बायोलॉजी की अलग है, तो यानी कि आपकी 1200 रुपये की बुक हो गई 9th की, और 1200 रुपये की 12th की, बट आपकी वहाँ से क्वेश्चंस बहुत फंस जाएंगे। NCERT से 20 से 22 क्वेश्चंस फंस पाएंगे, और उसमें भी आपकी कोई गारंटी नहीं कि आप क्वेश्चंस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, मतलब फंस तो जाएंगे, बट आपकी समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए NCERT से अगर आपने पढ़ाया तो, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और लक्ष्मी सिंह से आपने अपने अगर मोटा मोटा भी पढ़ा है तो आपका काम हो जाएगा। ये मेरे पास एक बायोलॉजी की बुक है लक्ष्मी सिंह की, आप देख सकते हैं, इस पर रेट 500 रुपये पड़ी है, और 400 रुपये की मिल जाती है ऑब्वियसली इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। साइंस आप यहाँ से कवर कर लेंगे, 11th-12th करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्वेश्चन दिए ना बहुत अच्छे दिए हुए हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स का भाई मेरे कोई आइडिया नहीं है, और मैं आपसे चाहता हूँ कि इकोनॉमिक्स में आप एक सब्जेक्ट छोड़ देंगे ना तो आपका GS का वेटेज जो है वो कम हो जाएगा। अगर आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है तो छोड़ दीजिए, पहले कभी नहीं पढ़ी है तो, और अगर आपने पढ़ी है 11th-12th में इकोनॉमिक्स थी आपके पास तो ज़रूर कर लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा, 11th-12th ही कर लीजिए, है ना। बाकी सही बात ये है कि इकोनॉमिक्स मैं पूरी तरीके से छोड़ के चलता हूँ, मेरे को इकोनॉमिक्स का ई भी नहीं पता है, अब बचता है करेंट अफेयर्स।
देखो करेंट अफेयर्स वैसे मैंने आपको बताया था कि 4 महीने का करेंट अफेयर्स सफिशियंट रहता है, उसके बाद में आप 6 महीने की एक पतली सी बुक कर लेंगे आपका काम हो जाएगा। लेकिन इस बार जो करेंट अफेयर्स पूछा है उसने पूरा वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, ज़िंदगी बदल दी है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, करेंट अफेयर्स की हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे, बट इसमें मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटा। देखो अभी से आप करेंट अफेयर्स डेली बेसिस पे ना पढ़ें, ठीक है, मंथली बेसिस पे करेंट अफेयर्स पढ़ेंगे। डिफेंस वाली न्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ज़्यादातर अपॉइंटमेंट जो होती है ना फालतू की उनको इग्नोर करेंगे पूरी तरह से। जैसे एक कमेटी बनाई, उस कमेटी के हेड ये बन गए, उससे हमें क्या मतलब है यार, 50,000 कमेटी बनती रहती हैं, हम वो याद करते रहेंगे, बुक्स लॉन्च कर दी, ये कर दी, वो कर दी, उन्होंने करी, उन्होंने करी, नहीं आती है ना, तो नहीं करनी है। एक आध बाई चांस आ गई तो हमारी टूटी किस्मत है, हम नहीं पढ़ पाए, अच्छी चीज़ है, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। डिफेंस की न्यूज़ करके जाएंगे हम, और जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होती है वो करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट के क्वेश्चंस अब आने लगे हैं, मतलब आते हैं, ठीक है, तो वो भी आप चाहें तो कर सकते हैं थोड़े बहुत। बाकी मैं बोलूँगा डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ और साइंस टेक आप करेंगे, और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो, ओके। तो वो सब चीज़ें अभी से मान लीजिए सेप्टेम्बर से आप स्टार्ट कर लीजिए, सेप्टेम्बर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फरवरी तक के करेंट अफेयर्स सफिशियंट है। अगर उसके बीच में भी नहीं आता तो हमारी हालत ख़राब हो जाएगी, उससे ज़्यादा हम क्या ही करें। एक टीचर से ना करें, बहुत सारे टीचर से करें, अपने नोट्स बनाएं, लगभग जितना लिख सकें उतना लिखें और रिवाइज करते रहें। करेंट अफेयर्स आप ऐसे कर लेंगे, उसके बाद में लास्ट में एक आप 6 महीने की बुक ले लेंगे उससे कवर कर लेंगे, ठीक है, बात करता हूँ। करेंट अफेयर्स आप ऐसे कर लेंगे, करेंट अफेयर्स आप चाहें तो दिसंबर में स्टार्ट करिए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आप 2-3 महीने में करेंट अफेयर्स कर देंगे सारी अपने, ठीक है। तो मतलब मैंने बोला है ना जीएस को कम टाइम देना है, तो कम टाइम ऐसे ही तो देना है कि उनमें कम कम पढ़ेंगे तभी तो, कि अभी से करेंट अफेयर्स सारी चीज़ें पढ़ के चलोगे तो टाइम वेस्ट होता रहता है, मतलब जब बहुत ज़्यादा टाइम हमारे जीएस में चला जाता है, तो उससे बचना है। देखो हमने जो है सारी चीज़ें कवर कर ली, ठीक है, अब मेरी एक बात सुनो, आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने मान लीजिए जियोग्राफी पढ़ी खान सर से, आपने जब किसी भी सर से आपने एक टॉपिक कवर किया क्लाइमेट, ठीक है, जब आपने CDS के PYQ देखे ना पिछले 5 पेपर, आपको दिखेगा कि भाई एक क्वेश्चन भी नहीं आया वहाँ से जब हमने पढ़ा, तो वो हो जाती है बड़ी दिक्कत वाली बात। और ये केवल जियोग्राफी नहीं, हिस्ट्री, पॉलिटी सब में ही होने वाला है, कुछ क्वेश्चन आएंगे और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपको अपना बेसिक तो क्लियर करना ही है, साथ में वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो भी आपको लगाने हैं। 5 पेपर तो कम से कम लगा के चलिए, मैं बोलता हूँ आपसे हमेशा CDS 2 2019 से स्टार्ट करिए, और अभी तक जो हुए हैं वो कर लीजिए, 7 पेपर हो जाते हैं आपके, ओके, वो इतना कर लीजिए काफ़ी। बाकी पहले आते होंगे क्वेश्चन जैसे बेटे, हो सकता है रिपीट हो जाए, बट उतने पीछे जाने की क्या ज़रूरत है, आप यहाँ से स्टार्ट करिए पीछे से, जैसे CDS 2 2022, उसके बाद हम बैक होते हुए जाइए, ओके। अब प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो देखो प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया रामबाण बता रहा हूँ आपको, मज़ा आ जाएगा। आप जो है क्या करेंगे, दृष्टि PCS करके चैनल है, आपको पता होगा, वहाँ पे MPPCS, BPSC, UPPCS, UPSC इन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना वो कराए हुए हैं। अब वहाँ से आपने जो पढ़ा है ना, जैसे आपने हिस्ट्री ख़त्म करी तो वहाँ पे हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए होंगे वो देखेंगे आप, तो उनको कर लीजिए। वहाँ के क्वेश्चन इतने मतलब रिपीट होते हैं, ठीक है, और मैक्सिमम क्वेश्चन वही होंगे जो आपने पढ़े हुए हैं, और नहीं पढ़े हुए हैं तो आपको पता चलेगा ना कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और जब हम क्वेश्चंस लगाते हैं ना तो हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ें हम भूल चुके हैं, वरना रिवीजन करने में हम वही चीज़ पढ़ते रहते हैं जो हमें अच्छे से पढ़ता है। तो दृष्टि PCS चैनल को आप फॉलो करें और वहाँ से जो है करते रहें, ये सब क्वेश्चंस आंसर ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे, बल्कि बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे, मैंने करे हैं इसलिए बोलूँ। मेरे को जियोग्राफी का बिल्कुल नहीं आ रहे थे क्वेश्चन, पॉलिटी में आ रहे थे, हिस्ट्री में आ रहे थे, ओके, मतलब जियोग्राफी में मैंने जो पढ़ा था और वो वहाँ से क्वेश्चन आ रहे थे वो मैं कर नहीं पा रहा था बिल्कुल भी, BPSC, UPPCS, MPSC, RAS इन सब के, लेकिन पॉलिटी के और हिस्ट्री के मैं कर पा रहा था, मॉडर्न हिस्ट्री के, ठीक है। तो आप लोग जो है ऐसे कवर कर लेंगे, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। करेंट अफेयर्स बता दिया मैंने, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स सब बता दिए, इकोनॉमिक्स जो है वो छोड़ सकते हैं आप, आपका बोझ कम हो जाएगा, क्योंकि वेटेज भी ज़्यादा नहीं होता, 7-8 क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए टाइम वेस्ट करना सही बात नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करते हैं, और चैनल को पहले सब्सक्राइब, शेयर वगैरह जो भी आपको मैंने करता है, डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। बाकी अगर आपके पास कोई राय है देना चाहें तो आप दे सकते हैं, ओके। सावधानी यही रखनी है कि 4 घंटे अगर आप दे रहे हैं GS को तो बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, 4 घंटे से ज़्यादा 4.5 दे दीजिए, उससे ज़्यादा मत दीजिए,
ठीक है, 6-6 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 5 घंटे भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ। अब आप कैसे देंगे ये आपका मन है, आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं या एक दिन में 4 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एक दिन में 3 पढ़ते हैं, आपका जैसे मन है वैसे करिए। वैसे मेरा ये रहता था कि मैं एक दिन में 7.5 सब्जेक्ट पढ़ता हूँ। ठीक है, चलो बाय, वीडियो बड़ी हो रही है।